शिव की शिव शक्ति की भक्त और भक्ति की ये कथा मान। शिव महापुराण शिव महापुराण शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय कंठ शंभु अविनाशी गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। आशुतोष नील कंठ शंभु अविनाशी गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। शिव का बस नाम ही भक्ति और ध्यान ही कर दे कल्याण। समुद्र मंथन का महान कार्य प्रारंभ होता है। ब्रह्मदेव मेरुदंड पर विराजमान होते हैं तथा समुद्र मंथन प्रारंभ करने का आदेश देते हैं। समुद्र मंथन प्रारंभ होते ही सर्वप्रथम हलाहल विष समुद्र से निकलता है तथा उसका प्रभाव सर्वत्र फैलने लगता है। विष के दूषित प्रभाव से चराचर त्रस्त होने लगते हैं तो नारद चिंता व्यक्त करते हैं, अब सृष्टि को नष्ट होने से कौन बचाएगा। सृष्टि के रक्षक शिव शंकर उस हलाहल विष का पान करके नीलकंठ बनते हैं। ये देखकर देव दैत्य सभी शिव की जय जयकार करते हैं। समुद्र मंथन पुनः प्रारंभ होता है और तब सर्वप्रथम समुद्र से बाहर आती है कामधेनु। सबकी कामना पूर्ण करने वाली ये गाय जो देवताओं को प्राप्त होती है। तत्पश्चात समुद्र से निकला सात मुखों वाला श्वेत अश्व उच्चश्रवा। उच्चश्रवा अश्व दैत्यों की संपत्ति बना। समुद्र से निकलने वाले बहुमूल्य रत्नों में अगला था ऐरावत, अनेक सूंडों वाला श्वेत हाथी जो देवराज इंद्र का वाहन बना। तत्पश्चात समुद्र से निकली कौस्तुभ मणि जो भगवान विष्णु के वक्ष की शोभा बनी। फिर बाहर आया चंद्रमा, सुधाकर विषहर चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक की शोभा बना। समुद्र मंथन से उसके पश्चात बाहर आया पारिजात वृक्ष, नंदन वन की शोभा बढ़ाने वाला जाज्वल्यमान पारिजात वृक्ष देवताओं को प्राप्त हुआ। और फिर निकली स्वर्ग की शोभा अप्सराएं जो स्वाभाविक रूप से देवताओं के लिए थीं। समुद्र मंथन से प्राप्त होने वाले रत्नों के क्रम में इस बार समुद्र से निस्सृत हुई देवी महालक्ष्मी। कमलासना महालक्ष्मी की उत्पत्ति शेषशायी भगवान विष्णु के लिए हुई थी। महालक्ष्मी के पश्चात समुद्र से बाहर आई वारुणी। समुद्र मंथन से निकले रत्नों में अंतिम था अमृत कलश। अमृत कलश को लेकर समुद्र से बाहर आए आयुर्वेद के प्रणेता भगवान धन्वंतरी। धन्वंतरी के हाथ में अमृत कलश देखकर देवता और दैत्य दोनों ही पक्ष उस पर अधिकार पाने के लिए दौड़ पड़े। सुरों एवं असुरों में अमृत प्राप्ति के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। ये देखकर नारद को चिंता हुई, कहीं ये अमृत पुनः देव दैत्य संघर्ष का कारण न बन जाए।
के संघर्ष का कारण ना बन जाए। भगवान भोलेनाथ ने तो देवता और दैत्यों की शत्रुता समाप्त करने के लिए ये समुद्र मंथन का सुझाव दिया था, किंतु लगता है ये सब निरर्थक ही जाएगा। नारायण नारायण। राहु, तुमने धन्वंतरी से अमृत कुंभ छीन लिया, किंतु अमृत पर दैत्यों का ही नहीं देवताओं का भी अधिकार है। अमृत पर सच्चा अधिकार केवल दैत्यों का है। समुद्र मंथन में देवताओं से अधिक परिश्रम दैत्यों ने किया। राहु, देवताओं ने भी दैत्यों के समान परिश्रम किया है। देवता देवता तो नागराज वासुकी की पूछ पकड़कर हिला रहे थे। विश्व गलने वाला मुख का भाग दैत्यों ने पकड़ा था। राहु, तुमने स्वयं योगेश्वर महादेव से अनुरोध किया था कि वासुकी को मुख की ओर दैत्य पकड़ेंगे। भगवान कैलाशनाथ की इच्छा का आदर करते हुए हम समुद्र मंथन का कार्य निर्विघ्न पूर्ण करना चाहते हैं। दैत्यों का देवताओं पर अधिक बलशाली होना उनका भ्रम था, इसीलिए नागराज वासुकी का मुख पकड़ना स्वीकार किया था। कठिन कार्य करने की क्षमता साहसी और बलवानों में होती है। अब इस समृद्ध पर हमारा अधिकार है और इसे पीकर हम विश्व से जुड़ते हुए तन मन की ज्वाला को शांत करेंगे। ज्वाला तो हम भी शांत करेंगे तुमसे अमृत कुंभ छीनकर। अमृत कुंभ से अमृत छलका और हरिद्वार की पावन भूमि के जल में गिरा। कुंभ से अमृत गिरते ही हरिद्वार कुंभ मेले का पावन स्थान बन गया। उसी समय से प्रत्येक 12 वर्ष के पश्चात हरिद्वार में कुंभ मेला लगने की परंपरा प्रारंभ हुई। जब प्रथम बार कुंभ से हरिद्वार में अमृत गिरा, उस समय सूर्य चंद्र मेष राशि में तथा बृहस्पति कुंभ राशि में भ्रमण कर रहे थे। उसके पश्चात प्रत्येक 12 वर्ष के अंतर से जब जब ये ग्रह योग आता है, हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन होता है। इस अवसर पर एक मास तक लाखों श्रद्धालु यात्री इस मेले में सम्मिलित होकर धार्मिक कार्य संपन्न करते हैं। इस अवधि में हरिद्वार का गंगा जल अमृत का रूप धारण कर लेता है। हो जा रहे हैं। अधिकार कर लो अमृत कुंभ पर, अधिकार कर लो, देवताओं को जाने न दो, अधिकार कर लो। ये अमृत तुम हमारा है देवराज, हमें दे दो। जब तक ये तुम्हारे पास था तुम्हारा था, अब ये हमारा है। व्यर्थ परिश्रम न करो, हमारा पीछा छोड़ दो। अमृत कुंभ प्राप्त करने के लिए हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। हम भी देवताओं के कंठ में एक बूंद भी अमृत नहीं जाने देंगे। सावधान रहो, आगे न बढ़ो, अन्यथा देवासुर संग्राम के मुख्य अपराधी तुम माने जाओगे। अनर्थ के भय से हम अपना अधिकार नहीं छोड़ेंगे। हठवादिता के कारण देवताओं को अपने अधिकार से वंचित होना पड़ेगा। अमृत कलश हम छीन के रहेंगे। अमृत कुंभ से अमृत छलका तथा प्रयाग में गिरा। जिस समय ये अमृत गिरा था,
उस समय बृहस्पति ऋषभ राशि तथा सूर्य चंद्र मकर राशि में भ्रमण कर रहे थे। उसी समय से प्रयाग के पवित्र संगम पर एक मास का कुंभ मेला लगने की प्रथा प्रारंभ हुई। अमावस्या तथा मकर संक्रांति के अवसर पर प्रयाग का पावन जल विशेष रूप से अमृतमय हो जाता है तथा उस समय इसमें स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रयाग का कुंभ मेला सांस्कृतिक दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जनसंगम है। इस अवसर पर देश विदेश से करोड़ों धर्मानुरागी व्यक्ति संगम स्थान तथा साधु संतों के सत्संग का लाभ उठाते हैं। जैन हमारे समीप ना आओ, अन्यथा ये अमृत ना देवता पी सकेंगे ना हमें प्रसन्नता होगी। राहु, यदि अमृत देवताओं को नहीं प्राप्त होगा तो दैत्यों को भी नहीं प्राप्त होना चाहिए। हम इतने मूर्ख नहीं, जिस अमूल्य वस्तु को इतने कठिन परिश्रम से प्राप्त किया उसे इतनी सरलता से गवा दें। हम भी इतने अज्ञानी नहीं कि अपना भाग प्राप्त किए बिना अमृत पर से अधिकार त्याग दें। अमृत इस बार उज्जैनी की पवित्र शिप्रा नदी के जल में गिरा। जिस समय यह अमृत गिरा था उस समय बृहस्पति सिंह, सूर्य मेष तथा चंद्र तुला राशि में भ्रमण कर रहे थे। तभी से उज्जैन में कुंभ मेला लगना प्रारंभ हुआ। बृहस्पति के सिंह राशि में होने के कारण इस पर्व को सिंहस्थ पर्व भी कहते हैं। प्रत्येक 12 वर्ष के पश्चात यही ग्रह योग आने पर उज्जैनी के शिप्रा तट पर असंख्य धार्मिक श्रद्धालु एकत्र होकर धार्मिक कार्य संपन्न करते हैं तथा वैशाख पूर्णिमा पर शिव के ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के दर्शन तथा शिप्रा के अमृतमय जल में स्नान करके अपना जीवन धन्य करते हैं। साहस की प्रशंसा करता हूँ। राहु, तुम्हारे द्वारा की गई इस प्रशंसा से मेरा उत्साह बढ़ा है, किंतु तुम्हारे आचरण पर मुझे विश्वास नहीं। हमारा पीछा करते करते तुम कितने दुर्बल हो गए, ये देखकर मुझे दया आ रही है। दया और दैत्य? राहु, अपना स्वभाव न बदलो, अन्यथा दैत्यों की पहचान समाप्त हो जाएगी। हमें एक दूसरे का पीछा करते करते कितना समय बीत गया, इससे न देवताओं को लाभ हुआ न ही दैत्यों को लाभ। क्यों नहीं हुआ? या देवता दैत्य दोनों अमृत पिएंगे, अन्यथा कोई नहीं पिएगा। अमृत हम पिएंगे, अमृत केवल दैत्य पिएंगे, अमृत हमारा है। अमृत कुंभ से अमृत छलक कर इस बार नाशिक नगर के तट पर दक्षिण की पावन गोदावरी नदी में गिरा। उसी समय से नाशिक के गोदावरी तट पर प्रत्येक 12 वर्ष के पश्चात बृहस्पति के सिंह राशि तथा सूर्य चंद्र के भी सिंह राशि में आने पर कुंभ मेला आयोजित होता है। लाखों श्रद्धालु यात्री यहां भगवान शिव के त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन तथा पवित्र गोदावरी के अमृतपूरित जल में स्नान करके प्राचीन पापों का प्रक्षालन करते हैं। नाशिक का कुंभ मेला नर्मदा के दक्षिण में भारतवर्ष का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है, जहां दूर दूर से आए साधु संतों का समागम होता है। इस अवसर पर देश विदेश से आए लाखों धर्मानुरागी तथा श्रद्धालु जन गोदावरी स्नान तथा साधु संतों के सत्संग का लाभ उठाते हैं। नारायण नारायण। राम देव,
प्रणाम देवर्षि। आयुष्मान भाव, नारायण नारायण, कितना बड़ा अनादर है भगवान शिव शंकर की इच्छाओं का। भोलेनाथ ने तो विग्रह शांत करने के लिए समुद्र मंथन का उपाय सुझाया था, किंतु समुद्र से उत्पन्न अमूल्य रत्न अमृत दोनों के बीच संघर्ष का कारण बन गया। देवर्षि, देवता और दैत्यों का संघर्ष कभी समाप्त नहीं हो सकता। यही तो दुर्भाग्य की बात है। देवता और दैत्य की माताएं सगी बहनें हैं। किंतु धन्य धन्य हो कश्यप ऋषि, तेरह नववधुओं के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। धन्य धन्य हो दक्ष प्रजापति, जिन्होंने कश्यप ऋषि सा जामाता प्राप्त किया है। ऋषिवर, हम अपनी इन तेरह पत्नियों से आप सबका परिचय करवाते हैं। ये है दीति और ये है अदिति, ये है दनु, अरिष्टा, सुरसा, सुरभि, विनता, कद्रु, तामरा, ईरा, क्रोधवसा, मुनि, और वो है धर्मज्ञा। हम सब आपके दर्शन पाकर धन्य हुए ऋषिवर। आप सभी नववधुएं आश्रम में कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आश्रम में हम दक्ष प्रजापति के राजकन्याएं हैं ऋषिवर। हम राजभवनों में रहते आए हैं, हमारे लिए राजभवनों की व्यवस्था होनी चाहिए। ये ऋषि आश्रम है देवी दीति, हम आश्रमवासी हैं, यहाँ तो राजभवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। स्वामी ठीक कह रहे हैं दीदी, हमारे पति एक महान ऋषि हैं, हमें यहाँ ऋषि पत्नी के रूप में ही रहना होगा। तुम चुप रहो दीदी। महाराज कश्यप, हमारे पिता में ब्रह्मदेव ने प्राणी सृष्टि का कार्य करते समय हमारे पिता श्री दक्ष प्रजापति को प्राणी सृजन का कार्य सौंपा था। हम उन सब प्राणियों में श्रेष्ठ हैं, आपको हमारा अपमान करने का अधिकार नहीं है। यह अपमान नहीं, मर्यादा का प्रश्न है दीति। ऋषि आश्रम में राजभवन का होना कैसे संभव है? दीति तनिक विचार करो, तुम अपनी बहनों में सबसे बड़ी हो। पति की मर्यादा और आज्ञा का पालन करना तुम्हारा प्रथम धर्म है। आप हमारे पति हैं, आपने अपना पति धर्म निभाइए। हम राजकन्याओं के लिए राजभवन दीजिए। दीदी, पतिदेव से ऐसी असंभव मांग न करो। मैं तुमसे नहीं, अपने पतिदेव से मांग रही हूं। स्वामी, मैं आपसे विवाद करना नहीं चाहती, आप हम सबके लिए अलग अलग राजभवन की व्यवस्था कीजिए। दीदी, मैं तुम सबको किसी प्रकार की असुविधा में डालना नहीं चाहता। इस आश्रम में तुम सबके लिए अलग अलग कुटीर की व्यवस्था करूंगा, पर मुझसे राजभवन की तो मांग ना करो। दीदी, पतिदेव की आज्ञा स्वीकार करना हमारा परम धर्म है। मैं पति की आज्ञा स्वीकार करूंगी, परंतु तुम्हारे कहने पर नहीं। सुनिए, आप अपने आश्रम में हम सबके लिए राजकुटीर बनवाइए, जिसमें मेरा कुटीर सबसे भव्य होगा, क्योंकि मैं इन सब में बड़ी हूं। मुझे तुम्हारा अनुरोध स्वीकार है दीति, तुम सबको न्याय मिलेगा, तुम्हें उचित सम्मान मिलेगा।
आओ। इस वेश में देखकर मन सहज ही मुक्त हो गया है। तुमने ऋषि पत्नी होने का आदर्श प्रस्तुत किया है। स्वामी की इच्छा के अनुरूप आचरण करना प्रत्येक नारी का प्रथम धर्म है देव। महाराज, दक्ष प्रजापति की कन्या के रूप में मैं एक राजकुमारी थी, परंतु अब मैं एक ऋषि पत्नी हूं। स्वामी, कितने उच्च विचार हैं तुम्हारे। स्वामी, बहुत दिनों से मन में एक बात जानने की अभिलाषा थी, आज्ञा हो तो पूछूं? अवश्य पूछो देवी। सृष्टि के सृजनहार परमपिता ब्रह्मदेव ने इस सृष्टि का निर्माण करके उसे स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में विभाजित किया। भगवान शिव शंकर देवाधिदेव महादेव हैं। उन्होंने पृथ्वी लोक के प्राणियों के बीच कैलाश पर अपना स्थान क्यों ग्रहण किया? संसार के प्राणियों के कल्याण के लिए देवी। देवाधिदेव महादेव के समान इस संसार में और कोई भी उपकारक उद्धारक नहीं है। वे देव, दानव, मनुष्य, पशु पक्षी सबके रक्षक हैं। हमें अपने कल्याण के लिए उन्हीं की आराधना करनी चाहिए। आप सत्य कह रहे हैं स्वामी। अब तुम्हारा प्रश्न है, महादेव ने पृथ्वी लोक के प्राणियों के बीच कैलाश पर अपना स्थान क्यों ग्रहण किया? उत्तम प्रश्न है देवी। स्वामी, मेरे मन में यही जिज्ञासा है। वो इसलिए कि देवता स्वर्ग से पृथ्वी पर आ सकते हैं, मायावी दानव तीनों लोक में विचरण कर सकते हैं, परंतु मनुष्य पृथ्वी से स्वर्ग लोक नहीं जा सकते। उन्हीं मनुष्यों के कल्याण के लिए महादेव ने पृथ्वी पर स्थान ग्रहण किया है, ताकि मनुष्य भगवान शिव शंकर के प्रत्यक्ष दर्शन तथा पूजा आराधना कर सके। अब जाओ अदिति, थोड़ा सा विश्राम कर लो। पति सेवा ही नारी का परम धर्म है स्वामी। आपकी सेवा में ही मन की शांति और विश्राम का आनंद मिलेगा देव। अदिति, कभी कभी ये देखकर मुझे आश्चर्य होता है कि तुम अपनी अन्य बहनों से कितनी भिन्न हो। कहां वो अधिकार की मांग करने वाली तुम्हारी दीदी दीति, और कहां तुम जो एक आदर्श ऋषि पत्नी का कर्तव्य निभा रही हो। कितना अंतर है तुम दोनों में। हाँ हाँ, बहुत अंतर है हम दोनों में। इस अदिति के समान आपके चरणों की दासी रहकर मैं अपने पिता के राज वैभव को लज्जित करना नहीं चाहती, अपना अधिकार में बलपूर्वक प्राप्त करना जानती। मेरे पास आपसे प्रार्थना करने के लिए व्यर्थ समय नहीं है। मैं सबसे बड़ी हूं और आपकी पटरानी हूं। सबसे पहला अधिकार मेरा है। दीदी, 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 चलो यहां से। दीदी, निकल बाहर। दीदी,
क्या कर रही हो दीदी? ये अनुचित है। तुम्हें समय की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। मेरे धैर्य का बांध टूट रहा है नाथ। यह अशोभनीय है दीदी, अपने पर संयम रखो। सन्यासी नहीं प्रियवर, आपकी पत्नी हूं। आप अपना पति धर्म निभाइए। दीदी यह संध्या का समय है, इस समय शयन निषिद्ध है। जो आपके लिए निषिद्ध है वही मुझे स्वीकार है। आइए मेरे साथ। दीदी ये क्या कर रही हो? इस सूर्यास्त की बेला में तुम्हें क्या सूझी है? तुम विक्षिप्त तो नहीं हो गई हो? हाँ हाँ प्राणनाथ, मेरी नाड़ियों में चंजावात मचल रहा है। मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए। इस संधिकाल में भूत प्रेत वेताल दानव जैसे तामसी प्राणी चारों ओर विचरण करते हैं। इस समय गर्भधारण करने वाली माताओं की संतान तामसी होती है। हाँ प्रियवर, मुझे ऐसी संतान चाहिए जो दानवों के समान बलवान और पराक्रमी हो। स्वामी मुझे मेरा मन चाहा प्रेम दान दीजिए। आप सब महान कश्यप ऋषि की संतान है। आप सब भाई भाई हैं। अपने पिता की मर्यादा का सम्मान करते हुए आप सबको आपस में अमृत बांटकर पीना चाहिए। संघर्ष से बचने के लिए हमें देवर्षि की सम्मति मान लेनी चाहिए और अमृत मिल बांटकर पी लेना चाहिए। हम देवर्षि के परामर्श का आदर पूर्वक पालन करने के इच्छुक हैं। देवर्षि, हम आपकी उचित सम्मति मानकर उसका पालन करना चाहते हैं, किंतु विभाजन होगा कैसे? यह कार्य कौन करेगा? जहां सद्भावना होती है सद्मार्ग भी मिल जाता है। इस कार्य के लिए आप लोग किसी निष्पक्ष व्यक्ति को चुन लीजिए। देवर्षि, आप ही इस अमृत का वितरण हम समय कर दीजिए। आप जैसा निष्पक्ष व्यक्ति और कौन हो सकता है मुनिवर? होम करते ही हाथ जल गया। नारायण नारायण, मैं तो एक ही कार्य करता हूं, लोगों को घूम घूम कर भगवत भक्ति का अमृत पिलाता हूं। भला एक साथ दो कार्य कैसे कर सकता हूं? इस कार्य के लिए आप लोग किसी अन्य व्यक्ति को चुन लीजिए। मुनिवर, आप ही किसी निष्पक्ष व्यक्ति का नाम सुझाइए। निष्पक्ष? आप लोग त्रिदेवों के पास जाइए। त्रिदेव? भगवान भूतनाथ तो सदा समाधि में रहते हैं और ब्रह्मदेव के हाथ वेद पकड़ते हुए कांपते हैं, और वो विष्णु, वो तो दैत्यों के साथ सदैव छल करते आए हैं। हम कपटी विष्णु पर कभी विश्वास नहीं कर सकते देवर्षि। नारायण नारायण, हर हर महादेव। देवर्षि, स्वभाव अनुसार आप दोनों पक्षों के बीच कुछ सुलझा रहे हैं या उलझा रहे हैं? नारायण नारायण, ना उलझा रहा हूं और ना ही सुलझा रहा हूं। देवी, मैं तो स्वयं ही उलझ गया हूं, किंतु आपके आने से बड़ी प्रसन्नता हुई। मेरे आने से देवर्षि को प्रसन्नता हुई?
हाँ देवी, पुरुष की अपेक्षा नारी अधिक व्यवहार कुशल जो होती है, वो अपनी मधुर वाणी द्वारा पाषाण को पिघला सकती है, अहंकारी को अपने चरणों में झुका सकती है, कठिन से कठिन धर्म संकट से उबार सकती है। आप पर ऐसा कौन सा धर्म संकट आ पड़ा? ज्ञान अज्ञान का धर्म संकट, हट अभिमान का धर्म संकट, आग्रह दुराग्रह का धर्म संकट, विश्वास अविश्वास का धर्म संकट, यहां तो अनेक धर्म संकट हैं देवी। देवर्षि, आप इन्हें पहचानते हैं? क्या नाम है इनका? इनके अनेक नाम अनेक रूप हैं। इन्हें पहचानना मेरे लिए कठिन है। आपने क्या कहा देवर्षि? इनके अनेकों नाम अनेकों रूप हैं? हां, माता का रूप, पत्नी पुत्री का रूप, अग्नि का रूप, आदिशक्ति जगदम्बा भी तो नारी का ही रूप है। इनके विषय में समझाना मेरे लिए कठिन है। इस स्थान पर नारद का रुकना आप शुभ संकेत नहीं। देवी, अब आप ही इनकी समस्या का समाधान कीजिए। नारायण 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 नारायण, जय शिव शंकर। देवी, तुम्हारे ये मधमाते, ये रस छलकाते रतनार नैन, अधरों पर बाल रवि की लाली, मधुर बैन, देवता और दैत्यों को मंत्र मुक्त कर देने वाली आप कौन है देवी? नहीं पहचाना, मैं हूँ स्वच्छंद नारी, मुझे मोहिनी कह सकते हो। मोहिनी, सच कहा, आप मोहिनी ही हैं, अप्रतिम सुंदर नारी। किंतु आपने अपना परिचय नहीं दिया। हम स्वर्ग लोक के देवता हैं, महर्षि कश्यप की संतान। हम भी महर्षि कश्यप की संतान हैं। बड़े आनंद की बात है, आप दोनों भाई भाई हैं। हम भाई भाई नहीं हैं, ये देवता हैं और हम दैत्य। आश्चर्य है, एक पिता की संतान होते हुए भी आप एक दूसरे को भाई भाई स्वीकार नहीं करते। हम में इनमें अंतर है, क्योंकि हमारी माताएं दो हैं, देवता माँ अदिति की संतान है। हम भी महर्षि कश्यप की पत्नी दिति की संतान है। हम वीरता और पराक्रम में विश्वास करते हैं, देवताओं से हमारी शत्रुता है। आप जाने क्यों लगी देवी? जहाँ शत्रुता और कलह का वातावरण होता है, वहाँ सौंदर्य नहीं टिकता, सौंदर्य शांति का पुजारी होता है। किंतु देवर्षि नारद ने हमारी समस्याएं सुलझाने का दायित्व तो आपको सौंपा है, हमारी समस्याएं सुलझाए बिना आपका जाना उचित नहीं होगा। किंतु आप सबके बीच ऐसी कौन सी समस्या आन पड़ी? देवताओं और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, समुद्र में से अमूल्य निधियां प्राप्त हुई, देवताओं और दैत्यों ने उसे मिलकर आपस में शांतिपूर्वक बांट लिया। जैसे ही अमृत प्रकट हुआ, दैत्यों के मन में लोभ जागृत हुआ, ये हमें हमारा भाग नहीं देना चाहते। झूठ बोलते हैं देवता, हम इन्हें अमृत देना चाहते हैं। प्रश्न बंटवारे का था, इन्हें हम पर विश्वास नहीं और हमें इन पर विश्वास नहीं। मोहिनी, दैत्य बलपूर्वक अमृत पर अधिकार करना चाहते हैं, ये अन्याय है। दैत्यों को उदारता का परिचय देना चाहिए, उदारता वीरों की शोभा है, और भाई भाई के बीच ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। जहाँ विश्वास नहीं, वहाँ समाधान भी नहीं। तो तुम ही कोई उपाय सुझा दो मोहिनी। किसी को निर्णायक बना लो, इससे कलह मिटाने में सहायता मिलेगी। उचित समय पर तुम्हारा आगमन हुआ है मोहिनी, इस अमृत का विभाजन तुम कर दो, हमें तुम पर पूर्ण विश्वास है। क्या आप सब भी मुझ पर पूर्ण विश्वास करते हैं? हमें पूर्ण विश्वास है। हमें आप पर पूर्ण विश्वास है। स्वच्छंद नारी पर इतनी शीघ्रता से विश्वास नहीं करना चाहिए। किंतु अभी अभी तो आपने कहा था, जहां विश्वास नहीं वहां समाधान भी नहीं। नारी ममता का रूप होती है, उस पर विश्वास करना ही चाहिए। ठीक है, अगर देवता और दैत्य मुझ पर विश्वास करते हैं तो इस समस्या का समाधान होकर रहेगा। हमें तुम पर पूर्ण विश्वास है मोहिनी, हम तुम्हें वचन देते हैं, तुम अमृत पिलाओ, विष पिलाओ अथवा मदिरा, हमें तुम्हारा निर्णय स्वीकार है।
आइए, आप लोग मेरे साथ आइए। आप सभी पात्र ग्रहण करें। देवता इस ओर, दैत्य उस ओर, अपना अपना स्थान ग्रहण करें।
की भोले विश्वनाथ की महिमा का